सारे घास लाने गए थे, माँ बेटी और साथ में चाचा भी गए थे। चाचा अलग रास्ते पे चला गया, तो माँ बेटी अलग रास्ते पे गए। जब ये वापस आ रही थी, मतलब वापस नहीं, ये घास इकट्ठा कर रही थी मेरी लड़की और घर वाली जो वो ऊपर से मतलब तोड़ के गिरा रही थी। ओके हाँ जी, जब ये इकट्ठा कर रही तो इसका पाँव फिसल गया। हाँ जी, इसका पाँव फिसल गया और ये नीचे खाई में। और मेरे ख्याल से प्रवेश जी की पहले बात हुई थी वहाँ पे कि डॉक्टर्स क्या उसके लिए फर्दर ट्रीटमेंट के लिए बोल रहे हैं, कितना खर्चा हो सकता है या नहीं। मेरी उधर तो डॉक्टर साहब से किसी से बात नहीं हुई, एक वहाँ पे मेडिकल स्टोर वाले हैं उनसे नॉर्मल बात हुई थी, उनके पास ऐसे केसेस आते रहते हैं, तो कुछ तो आयुष्मान कवर कर लेगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आयुष्मान कवर नहीं कर पाता, जैसे उसमें वेंटिलेटर का खर्चा है, एम्बुलेंस के खर्चे हैं, और भी पता नहीं क्या क्या चीज़ें आएंगी जब इसका स्पाइन वगैरह का ऑपरेशन होगा। तो अभी वो चीज़ें बताई थी, बाकी तो इनकी बात हुई है। उस टाइम पे जब ये सब चीज़ें हो रही थी, भला हो हमारे भाई साहब प्रवेश जी का जिन्होंने ये स्थिति संभाली, लेकिन उस स्थिति में कितनी गड़बड़ियाँ थी, कितनी हलचल थी, ये आप इनके मुँह से सुनिए जी। उस टाइम की स्थिति क्या थी कि एक जिस दिन एक्सीडेंट हुआ उस दिन तो मुझे पता नहीं चला कि क्या था, लेकिन सेकंड डे जब ये लड़की पीजीआई पहुंच चुकी थी तो इवनिंग टाइम में लगभग कोई 5:30 बजे मुझे कॉल आई, अननोन कॉल थी, मेरे नोन नहीं थे, कि सर आप साक्षी वाले केस में कोई हेल्प नहीं करवा रहे हो, आपके बारे में सुना है। तो मुझे तो मतलब कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या बोल रहे हैं। फिर मैंने पूरी बात उनसे की कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो उन्होंने बताया कि बलधर नगरोटा बगुआ के सिहुंड में एक लड़की गिर गई है और डिग्री कॉलेज नगरोटा की स्टूडेंट है। तो मैंने उनके चाचा जी से बात की, वो पीजीआई में थे मेरे ख्याल उस टाइम पे। मैंने बोला सर मैं नगरोटा हेल्पिंग हैंड से बात कर रहा हूँ प्रवेश शर्मा, और आपको किसी तरह की हेल्प की जरूरत है तो आप बताएं, बाकी हमारे सहयोगी साथी जो पीजीआई में भी काफ़ी लड़के हैं आस पड़ोस में उधर, तो वो भी आपकी हेल्प कर देंगे, जैसे कोई ब्लड की जरूरत है या कुछ भी है। तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि हमें कोई जरूरत नहीं है, आयुष्मान कार्ड हमारा बना है और कोई भी हेल्प की जरूरत नहीं हमें। मैं ठीक है, उसके बाद मैंने एक पोस्ट अपने फेसबुक आईडी के ऊपर डाल दी, अपने पेज के ऊपर भी डाल दी कि यहाँ पर हमने साक्षी के पेरेंट्स से परिवारजनों से बात की और उनको किसी भी तरह की हेल्प की जरूरत नहीं, उन्होंने अभी तक के लिए मना की है, लेकिन फर्दर कोई जरूरत पड़ेगी इन फ्यूचर तो हम बैठे हैं, नगरोटा हेल्पिंग हैंड्स बैठी है, प्रिंस जी बैठे हैं इंडियन हेल्पिंग हैंड्स के साथ और भी बाकी हमारे साथी हैं, सब बैठे हैं, तैयार हैं हम, लेकिन जब तक इनको जरूरत नहीं है तब तक हम धक्के से कोई भी सहायता नहीं दे सकते। लेकिन वो पोस्ट जो है दो दिनों में बहुत ज़्यादा वायरल हो गई, मतलब 150 से ऊपर शेयर हो गए, और मेरे को फिर कॉल आनी स्टार्ट होगी तीसरे चौथे दिन कि भाई आपकी पोस्ट आई है और परिवार को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन आपने ऐसी पोस्ट डाल रखी है लोग 100 रुपये तक देने को तैयार नहीं है। फिर मैंने तो उनको बताया कि भाई साहब मुझे तो परिवार वालों ने मना किया है इस पोस्ट के लिए, तो मैं कैसे गलत लिख सकता हूँ, क्योंकि किसी का भी अगर 100 रुपये भी जा रहा है 10 रुपये भी जा रहे हैं तो वेस्ट नहीं होने चाहिए, आपकी जो सेवा बिल्कुल सही जगह पर लगनी चाहिए। तो जो लोकल थे गांव के, मैं बात करूंगा यहाँ के जो डोनेशन इकट्ठे कर रहे थे, क्या नाम था उनका, अनिल कुमार जी से मेरी फ़ोन पे बात हुई, तो उन्होंने मेरे को स्थिति बताई कि भाई जी हम तो घर घर जाके डोनेशन 100-150-150 रुपये इकट्ठे कर रहे हैं। तो उन्होंने लगभग 35,000 रुपये इकट्ठा किया था, जिसमें बाकी पता नहीं एम्बुलेंस वगैरह का जो भी कुछ किया होगा मुझे मालूम नहीं उसका। तो उन्होंने स्थिति बताई, फिर मैंने उनसे जो इनका नंबर लिया कि लड़की के पिताजी का नंबर बताएं, तो इनका नंबर उनसे लिया, फिर इनसे मेरी बातचीत हुई, तो इन्होंने मुझे पूरी स्थिति बताई कि मेरा एक भाई है, मतलब कजन होंगे या सगे हैं, और एक बेटा है, तो वो घबराए हुए हैं, मेरी वाइफ भी घबराई हुई है, क्योंकि कुछ अफवाहें फैली हुई हैं गांव में कि आज ये संस्थाएं आपको डोनेशन देंगी कल को वापस मांगेगी, तो मेरी हालत ऐसी नहीं है कि मैं कल दिन को वापस कर पाऊँ। जब इनसे मेरी बात हो गई तो मैंने उनको समझाया कि वापस कुछ नहीं, क्योंकि मैं अपने पल्ले से कुछ नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, या कोई लोन नहीं इनको दे रहे हैं, ये आपकी डोनेशन है, आप ही ने देनी है, आप 100 रुपये दे रहे हैं, 10,000 दे रहे हैं, 500 दे रहे हैं, तो ये पब्लिक की डोनेशन होती है, दानी समाज से भी जो आप हैं आपने देनी है। इनको पूरी बात समझा दी, फिर इन्होंने बोला कि करवा दीजिए, क्योंकि डॉक्टर ने बोला हुआ है कि हमें 4-5 लाख रुपये उस टाइम पे बताया था कि वो मुझे इतनी ज़रूरत है। अब इतना अमाउंट सुन के मैं भी हिल गया, क्योंकि हमने भी जो सेवाएं की थी, प्रिंस जी ने तो बड़ी बड़ी सेवाएं की हैं, इनके पास तो बड़े बड़े केसेस आते रहते हैं, लेकिन हमारे पास तो ये धामे वगैरह 20-25-30 हज़ार तक की सेवाएं की थी, इतना बड़ा केस पहले नहीं आया, क्योंकि अभी नगरोटा हेल्पिंग हैंड्स को 8 महीने हुए, तो इससे बड़ा इनके साथ हम सेवा करते हैं इंडियन हेल्पिंग हैंड्स में, कि बड़ी सेवा चलेगी तो ये हैंडल करते थे, लेकिन खुद जब हैंडल करने की बारी आई नगरोटा हेल्पिंग हैंड्स से तो मैं हिल गया, तो मुझे तो इनका साथ भी चाहिए था। तो फिर मैंने वो पोस्ट जो शेयर की थी वो मैंने एडिट कर दी,
सेम स्थिति जो भी थी, क्योंकि शेयर हो रखी थी पहले से, उसमें पूरी विवरण जो था लड़की का, साक्षी का डाल दिया, अकाउंट नंबर डाल दिए पेरेंट्स के, उनके फ़ोन नंबर डाल दिए वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद ऑलरेडी पोस्ट जो थी वो 150 से आसपास तो शेयर हो चुकी थी। उसके बाद जो वो पोस्ट जो बूम हुई, इतनी ज़्यादा शेयर होने लगी, और हमारे अगर नगरोटा हेल्पिंग हैंड्स की बात करें तो प्रिंस जी भी हैं वहाँ पर, तो एक घंटे में 10,000 रुपये हमारे पास आए। और उसके बाद दूसरे दिन हमने मॉर्निंग तक देखा तो इंडियन हेल्पिंग हैंड्स में इन्होंने शुरू कर दी डोनेशन, तो कुल मिला के दोनों तरफ से 2.5 लाख रुपये की डोनेशन इकट्ठी हो गई। और उसके बाद यही जो हमारी पोस्टें थी कॉपी पेस्ट होती गई व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, अलग अलग और भी दानी सज्जन है, क्योंकि जब ऐसी विपदा आती है तो मैं सल्यूट करूंगा सभी संस्थाओं को, सभी समाज सेवियों को, सभी दानी सज्जनों को, सब इकट्ठे हो जाते हैं। तो उन सभी ने वायरल किया, और स्टूडेंट्स जो हैं कॉलेज के, साक्षी के जो क्लासमेट थे, उन्होंने भी यहां से इकट्ठे हो गए सारे, जैसे यहां पर हमें ग्रीन लाइट मिल गई। उसके बाद ये शेयर होती गई और आज भी शेयर हो रही है। आज हार्डली 5 दिनों में जो मतलब वो डोनेशन थी, छोटी छोटी डोनेशनें, आज आप सभी के सहयोग से, आप सभी के अनुदान से लगभग 7 लाख रुपया, डॉक्टर ने बोला है, क्योंकि एक जगह से नहीं, 3 रीढ़ की हड्डी के 3 टुकड़े हुए हैं, सर पे भी चोट है, 3 पसलियां भी टूटी हैं, शायद इससे ज़्यादा भी अमाउंट जा सकता है, क्योंकि आजकल खर्चे जो हैं बहुत ज़्यादा, आपको पता ही है, तो 7 लाख से ऊपर भी जा सकता है। लेकिन जो डॉक्टर ने इनको बताया था कि 6-7 लाख रुपये आपका एक्स्ट्रा लग सकता है, आपको पता है कि इंडियन हेल्पिंग हैंड्स, नगरोटा हेल्पिंग हैंड्स, ना हमारा अपना कोई खाता है, आपकी जो भी डोनेशन आती है सीधी जरूरतमंद परिवार के खाते में जाती है, तो हम कोई भी केस आपको देते हैं तो खुद पहले वेरीफाई करते हैं। 3 दिन तक कोई केस वेरीफाई नहीं था, सॉरी 2 दिन तक केस वेरीफाई नहीं था, मैंने पोस्ट वैसे चला रखी। जिस दिन इनके साथ बात हो गई, वेरीफिकेशन हो गई, तो मैंने आपको बता दिया कि आप अनुदान करें, सहयोग करें, तो आपने सहयोग करना शुरू कर दिया। तो हमारा यही मेन मोटिव होता है कि आपकी जो दान है, आपका जो भी अपनी नेक कमाई का हिस्सा है, वो सही जगह पे लगे, सही पर्सन के पास पहुंचे, ऐसा नहीं कि बीच में गलत यूज़ भी हो जाते हैं, आपको पता ही, आप खुद समझदार हैं। धन्यवाद इंडियन हेल्पिंग हैंड से, इतने दूर से आए हैं, सोलन में है, वहाँ से पहुंचे हुए हैं, और हम तो यहाँ से नगरोटा से उठ के यहाँ पे आए हुए हैं इतनी ठंड में, ये जी तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा प्रिंस ठाकुर जी। अब आपको एक चीज़ और बताता हूँ, हमने अभी डोनेशन के लिए होल्ड करने के लिए बोला है कि आप तैयार रहें, अपने पास होल्ड रखें, क्योंकि जो एक अमाउंट था जो डॉक्टर साहब ने बोला था वो तो इनके पास पहुँच चुका है, आपने पहुँचा दिया है। अब ये बेफिक्र हैं, इनको सिर्फ अब ये फिक्र है कि भगवान साथ दें, डॉक्टर साथ दें, बाकी फाइनेंशियली आपने सपोर्ट कर दी। मना करने के बावजूद भी, SDM साहब का ही फोन आ रहा बीच में, मना करने के बावजूद भी देखिए, अभी ये दिखा रहा हूँ आपको, 500 रुपये की डोनेशन अभी और आई है बिल्कुल फ्रेश, ये देखिए। तो डोनेशनें अब भी चल रही हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं चल रही हैं, अभी भी डोनेशनें चल रही हैं।